नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 का आगाज 19 सितंबर से होने जा रहा है और पहले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स इज टेकिंग ऑन द डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस। जी हां, चार बार की खिताबी विजेता मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेहतरीन तरीके से लड़ती हुई नजर आएगी और देखना होगा कि मुंबई इंडियंस इसमें क्या प्रदर्शन करती है। सीएसके और मुंबई इंडियंस के इस बीच होने वाले पहले मुकाबले के लिए क्या चीजें होंगी। अबू धाबी की फिलहाल जो कंडीशंस है उस लिहाज से देखा जाए तो पहले मैच में हो सकता है उतना स्कोर ना बने, लेकिन अगर अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो गई तो फिर टीम का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब अगर बात की जाए कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या होगी, आप भी हमें अपनी राय जरूर भेजें। आपकी राय कल शाम 4:30 बजे के प्रोग्राम हम जरूर रखेंगे। इस बीच अगर मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक यहां ओपन करते नजर आ सकते हैं। नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 की बात की जाए तो ईशान किशन, नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं हार्दिक पांड्या, नंबर 6 की बात की जाए तो यहां पर नजर आ सकते हैं कायरन पोलार्ड, नंबर 7 की बात की जाए तो कृणाल पांड्या, यानी कि इस टीम में बहुत बड़े बड़े ऑलराउंडर्स हैं। नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर यहां पर नेथन कुल्टर-नाइल को मौका दिया जा सकता है, नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि जो चार विदेशी खिलाड़ी हैं क्विंटन डिकॉक, कायरन पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट और नेथन कुल्टर-नाइल, फिलहाल जो ये चार नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं, जयंत यादव को मैं देखना चाहूंगा, ऑफ स्पिनर है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जसप्रीत बुमराह और राहुल चाहर, तो ये 3 ऐसे विकल्प हैं जो इस टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। तो कुल्टर-नाइल और बुमराह की जोड़ी हो सकता है कि आने वाले समय में, और बोल्ट की जोड़ी ये जो तिकड़ी है ये बेहतर फायदा दे सकती है। लसित मलिंगा का ना होना थोड़ा सा इनके लिए घाटे का सौदा है। और स्पिनर्स की बात की जाए तो इनके पास थोड़ा सा क्वालिटी स्पिनर्स की कमी है, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राहुल चाहर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन राहुल चाहर के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आपका टिपिकल कोई विकेट टेकिंग बॉलर है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से मुंबई की प्लेइंग 11 यहां पर डिसाइड होती है, लेकिन प्रोबेबल प्लेइंग 11 हमने आपको बता दी, आप भी अपनी प्रोबेबल 11 जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सीएसके की, सीएसके की प्लेइंग 11 क्या होगी। ऋतुराज गायकवाड का अभी कोविड टेस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अभी नेगेटिव नहीं आया है, तो शायद वो पहला मैच नहीं खेलेंगे, तो इस लिहाज से शेन वॉटसन और बत्ती रायडू ओपन करते नजर आएंगे। नंबर 3 पर फाफ डु प्लेसी को शायद एमएस धोनी मौका दे, नंबर 4 खुद एमएस धोनी बैटिंग करेंगे, नंबर 5 पर केदार जाधव, नंबर 6 की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा, नंबर 7 की अगर बात की जाए तो नंबर 7 पर सैम करन, नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर दीपक चाहर, नंबर 9 की बात की जाए तो ड्वेन ब्रावो, नंबर 10 की बात की जाए तो इस टीम में शार्दुल ठाकुर होंगे, और नंबर 11 की बात की जाए तो एक स्पिनर करण शर्मा के रूप में ये खिला सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सीएसके की टीम यहां से कैसे अपनी बेहतर प्लेइंग 11 उतारती है, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आपको अच्छे विकेट पर अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो आपको अपनी बैटिंग स्ट्रांग करनी होगी। सुरेश रैना के अलावा कोई बहुत बड़ा पिंच हिटर इस टीम में है नहीं, एमएस धोनी जरूर आपको मैचेस निकाल के दे सकते हैं जिस तरीके की लाइव में अभी नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सीएसके की टीम एक अच्छा चैलेंज यहां पर पेश करे। और पहले ही मैच से सीएसके की टीम मुंबई पर दबाव जो है वो डालना चाहेगी, क्योंकि बीते साल मुंबई की टीम ने चेन्नई के जबड़े से एक तरीके से जीत छीनी थी और फाइनल मुकाबला अपने नाम किया था और 4 बार की खिताबी जीत चेन्नई सुपर किंग्स से छीन ली थी। बड़ी बात यह है कि सीएसके की टीम सबसे कंसिस्टेंट टीम्स में से एक रही आईपीएल इतिहास की, और सीएसके की टीम ने 10 सीजन में से 8 बार फिनाले तक अपनी जगह बनाई है। तो अब देखना होगा कि इस बार सीएसके की टीम क्या करती है। बहरहाल दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपकी राय बहुत बेशकीमती है। और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।